स्वतंत्रता के बाद दिल्ली की विकास यात्रा में योगदान देने वालों का जिक्र डॉक्टर हर्षवर्धन के बिना अधूरा है, क्योंकि एक वक्त असाध्य और अभिशाप लग रही पोलियो की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने जो मॉडल दिल्ली में अपनाया वह न सिर्फ सफल हुआ बल्कि बाद में ये पूरे देश को पोलियो मुक्त करने का रामबाण हथियार बना। उनके इस मॉडल की प्रशंसा देश के भीतर के साथ वैश्विक स्तर पर हुई, इसलिए उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोलियो विजेता और स्वास्थ्य वर्धन की उपाधि दी। सो चलिए इस वीडियो में पोलियो मुक्त के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने इसके लिए घर घर अभियान चलाया था। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO समेत कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने डॉक्टर हर्षवर्धन के योगदान को सम्मानित किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल तक उनके असाधारण प्रयासों के कायल थे। उनके इस शुरुआत का परिणाम ये रहा कि आखिरकार देश वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हुआ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहते वर्ष 1994 में जब डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोलियो के खिलाफ युद्ध लड़ने का बीड़ा उठाया तब वैश्विक स्तर पर इसके मरीजों की कुल संख्या में भारत की हिस्सेदारी 60% थी। 10% मरीज तो सिर्फ दिल्ली में थे। उस वक्त लोगों में इसके प्रति गंभीरता पैदा करना इतना आसान नहीं था, संसाधन जुटाना भी दूर होता। तब उन्होंने इसमें सबसे बड़ा योगदान स्कूली छात्रों का माना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर से छात्रों को साथ लेकर देश का सबसे बड़ा जन जागरूक अभियान दिल्ली में शुरू किया गया। इन छात्रों को पोलियो सैनिक नाम दिया गया। इसके साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ ही 400 से ज्यादा सामाजिक संगठनों को जोड़ा। ये कारोबारी और कॉलोनी संगठनों के साथ धार्मिक नेताओं को साथ लाए। बड़े मीडिया संस्थान और सेलिब्रिटी भी निस्वार्थ भाव से प्रचार में जुड़ी। सभी राजनीतिक दल मतभेद किनारे रखकर एक मंच पर आए। ये सब बिना डॉक्टर हर्षवर्धन के अभिनव प्रयासों के असंभव ही था। इस तरह दो बूंद जिंदगी का नारा गली गली में गूंजने लगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ घर घर पोलियो के ड्रॉप पिलाए जाने लगे। इस बीच वर्ष 1995 में केंद्र सरकार ने इस अभियान को पूरे देश में लागू किया। देखते देखते पूरा देश पोलियो से मुक्त होने के अभियान में जी जान से जुट गया। इस अभियान के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन पूरी शिद्दत से जुड़े रहे और खुद पूरी व्यवस्था की निगरानी करते रहे। जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरने और किसी के दरवाजे पर जाने से परहेज नहीं किया। उनकी इस लगन ने आखिरकार सकारात्मक असर दिखाया। बात केवल पोलियो की ही नहीं बल्कि महामारी का रूप लेते कैंसर के खिलाफ जब युद्ध शुरू करने की बारी आई तो डॉक्टर हर्षवर्धन आगे आए। नाक कान और गले का डॉक्टर होने के नाते उन्हें तंबाकू के दुष्परिणाम पता थे। वे ऐसे लोगों को नजदीक से देख रहे थे जिन्हें धूम्रपान की वजह से कैंसर या बाकी बीमारी हुई और उसके चलते उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। उनके प्रयासों से वर्ष 1997 में दिल्ली धूम्रपान निषेध संबंधित कानून बना और सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना प्रतिबंधित किया गया। इसके साथ देश भर में इसके खिलाफ अभियान शुरू हुआ। ये तब हुआ जब उनके इस अभियान के खिलाफ तंबाकू उत्पाद तैयार करने वाली बड़ी कंपनियां उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी और हर तरह से इस अभियान और कानून को ध्वस्त करने के हथकंडे अपना रही थी। इसी तरह गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण, बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए ऐसी योजनाएं शुरू की जिन्होंने स्वास्थ्य सुविधा और लोगों के जीवन में बदलाव का मॉडल बनाया। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।